नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं पोको एस के बारे में। कुछ टाइम पहले मैंने एंड्रॉयड 11 का जो बिल्ड है पोको एस का, उसका मैंने वीडियो किया था। बट अभी फिलहाल एंड्रॉयड 10 के साथ पोको एस का एक नया वर्जन अवेलेबल हुआ है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर देख पाओगे माई डिवाइस के अंदर MIUI पोको एस MIUI by Xiaomi EU 12.5.3 stable। So, ये जो build है दोस्तों, Xiaomi EU का जो MIUI 5.3 stable build है, उसके ऊपर बेस करके तैयार किया गया है अपने Poco F1 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमें एंड्रॉइड वर्जन देने को मिलता है, एंड्रॉइड 10 हमें देने को मिल गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 10 के साथ ये जो बिल्ड है हमें देने को मिलता है, जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी आप देख पाओगे। दिसंबर का 2020 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देने को मिलता है, लगभग एक साल पुराना सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। जो कर्नल यहाँ पर यूज किया गया है 4.9 का जो स्टॉक PRF कर्नल है, उसे यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखने वाली बात हो कि हमें स्टॉक कर्नल के साथ किस तरह से जो है हमें बेंचमार्किंग के अंदर स्कोर देने को मिलता है, कैसे परफॉर्म करते हैं स्टॉक कर्नल। नाउ ये जो बिल्ड है Xiaomi EU के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, 12.5.3.0 स्टेबल बिल्ड है। एंड ये जो बिल्ड है, मेनली इस बिल्ड के अंदर आपको बैलेंस एंड स्टेबल परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दिया गया है। इस बिल्ड के अंदर आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा, एज वेल आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी बढ़िया दिखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, एज वेल इंस्टाग्राम में जाके हमारे को फॉलो कर सकते हो, हमारे साथ बातचीत भी कर पाओगे। उसके साथ साथ अगर आप पोको एस को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर जाके आप इस रॉम को डाउनलोड करके आपके पोको फोन के अंदर इस रॉम को यूज कर पाओगे। ये जो बिल्ड है दोस्तों, इन्फोर्सिंग वाला बिल्ड है, जो कि काफी बढ़िया बात है। आपका जो सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा, आपको इसके लिए रूट की भी जरूरत नहीं है। सो विदाउट रूट विदाउट मैजिक्स आपका जो सेफ्टी नेट है पास हो जाएगा, मतलब आप गूगल पे फोन पे को आराम से यूज कर पाओगे इस रॉम के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो हीट मैनेजमेंट है उसे भी काफी बढ़िया किया गया है, उसे भी इम्प्रूव किया गया है। आपको जो है इस बिल्ड के अंदर आपको काफी बढ़िया जो है बेटर हीट मैनेजमेंट देने को मिलेगा, स्पेशल गेमिंग के दौरान। अगर आप गेम्स खेलोगे तो आपका जो फोन जो है काफी ज्यादा गर्म नहीं होगा। गेम टर्बो 4.0 को भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स में से स्पेशल फीचर्स करके एक ऑप्शन देने को मिलेगा, उसमें से आपको जो है देखने को मिलेगा गेम टर्बो मोड। तो एक चीज आप देख ही पा रहे हो, गेम टर्बो मोड के अंदर हमें जो गेम टर्बो 4.0 है देखने को मिल गया है, बट जो वॉइस चेंजर का जो फीचर है यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, मिसिंग है। तो एक मेजर फीचर है जो कि गेम टर्बो मोड के अंदर होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो हमें वॉइस चेंजर का जो फीचर है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर टाइमर एंड बाकी सभी जो सेटिंग्स है हमें गेम टर्बो मोड के अंदर देखने को मिल गया है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो वीडियो टूलबॉक्स 2.0 है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि आपको अगेन सेटिंग्स में जाके स्पेशल फीचर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा वीडियो टूलबॉक्स। एंड वीडियो टूलबॉक्स 2.0 के अंदर सभी जो फीचर्स हमें देखने को मिल गया है, बट कुछ फिल्टर्स है जो कि हमें देखने को नहीं मिल रहा है इस बिल्ड के अंदर। कोई बात नहीं दोस्तों, जितने भी ड्राइवर से उसे लेटेस्ट अपडेट के अंदर अपडेट करके दिया गया है, तो आपको जो है काफी बढ़िया जो है ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा। एज वेल जो वॉल्यूम पैनल है उसे भी लेटेस्ट जो बीटा अपडेट है MIUI 12.5 को, वही हमें यहाँ पर देने को मिलता है। लेटेस्ट वॉल्यूम पैनल भी हमें देने को मिल गया है। अगर बात करूँ पावर मेनू की, तो कुछ इस तरह से जो है हमें पावर मेनू देने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा पुराना हो चुका है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में से हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाती है, देखिए पा रहे हो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन है हमें यहाँ पर देने को नहीं मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पर इस बिल से हटा दिया गया है, क्योंकि अपना जो पोको F1 है दोस्तों उसके अंदर है अपना LCD डिस्प्ले, इसलिए AMOLED डिस्प्ले ना होने के कारण जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसे होना ना होना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पर हटा दिया गया है, बट आपको राइज टू वेकअप, डबल टैप टू स्लीप, डबल टैप टू वेकअप का फीचर देने को मिलता है। स्मार्ट कवर मोड आपको देने को मिलता है, एज वेल जो चार्जिंग एनिमेशन है आप अलग अलग जो चार्जिंग एनिमेशन है उसे भी आप सेट कर पाओगे। एंड ये सभी जो ऑप्शन है हमें लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल गया है। डिस्प्ले की अगर बात करूं, तो जो शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर जो हमें सनलाइट मोड का ऑप्शन है ये भी देखने को मिलता है, एज वेल जो नाइट मोड का ब्राइटनेस है उसे भी आप कंट्रोल कर पाओगे, इसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड यहाँ से आप दोस्तों सैचुरेटेड एंड स्टैंडर्ड ऑटो ये सभी जो इवन कलर टेम्परेचर को भी आप कंट्रोल कर पाओगे, तो काफी यूजफुल ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड करके दिया गया। यहाँ पर अलाउ ऑल रोटेशन का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि हमें Xiaomi EU के अंदर देखने को मिल गया है। नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर जो हमें साउंड असिस्टेंट का ऑप्शन से हमें देने को नहीं मिलता है। वाइब्रेशन जो है आप जो साइलेंस मोड है उसके अंदर भी आप यूज कर पाओगे। प्रोफाइल वीडियो फॉर इनकमिंग कॉल का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आप जो बूट ऑडियो है उसे आप बंद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट साउंड को बंद कर सकते हो। यही पर हो यहाँ पर जो एडिशनल सेटिंग्स है, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर ये सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, तो यहाँ से जो है ये सभी साउंड को आप ऑन ऑफ कर पाओगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर हमें साउंड इफेक्ट देने को मिलता है। साउंड इफेक्ट के अंदर हमें जो इक्वलाइजर का जो सपोर्ट है उसे भी ऐड करके दिया गया है। MI का जो साउंड एनहाइजर का जो सपोर्ट है उसे भी ऐड करके दिया गया है। सो ये सभी जो हेडफोन टाइप है उसे भी आप चूज कर पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर देने को मिलता है। एक चीज है दोस्तों, यहाँ पर जो MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर है उसे आप यूज मत करना, MIUI 11 का जो कंट्रोल सेंटर है उसे आप यूज करना। उसके साथ जो है आपका
फोन जो है ज्यादा अच्छे से काम करेगा। एंसरसबर्ग के अंदर ये सभी जो ऑप्शन है इसे ऐड करके दिया गया है, जैसे कि आप जो है यहाँ पर नॉच को जो है हाइट कर पाओगे, जो आपका आइकॉन से वो आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर आप दिखा सकते हो एंड 4G आइकॉन को दिखा पाओगे। ये सभी जो ऑप्शन है हम देने को मिल जाती है नॉर्मली। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो है होम स्क्रीन के अंदर ये सभी ऑप्शन देने को मिल गया है। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन की अगर बात करो, आपको कोई भी कस्टमाइजेशन ऑप्शन देने को नहीं मिलता है, जो आपका Xiaomi UI के अंदर जो जो फीचर्स है वही फीचर्स हमें यहाँ पर देने को मिल गया है। एंड अगर आपको और भी थोड़ा सा स्मूथनेस चाहिए तो ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन को बंद करके रखना, तो आपका जो फोन है थोड़ा सा फास्ट काम करेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करूँ, तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा है। तो टैप किया, ओपन हो गया। देखिए सब तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है एंड सच में बहुत ही फास्ट हमें जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। देखिए पर बहुत ही जल्दी जल्दी एंड फास्ट जो है हमारे फिंगरप्रिंट जो है काम कर रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। एंड फेस अनलॉक की अगर बात करूँ देख लेते हैं, तो फेस अनलॉक भी फास्ट है, और एक बार तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर बहुत ही फास्ट काम कर रहा है एंड जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफ़ी फास्ट है। जैसे कि आपको यहाँ पर बैटरी की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप देने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया है, लगभग आपको 6 आवर के आसपास जो बैटरी बैकअप है आपको इस रोम के अंदर आराम से देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर जो है बैटरी ऑप्शन भी आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आपको पावर सेविंग, उसके बाद जो आपका परफॉर्मेंस मोड, उस ऑप्शन को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है, बट आपको यहाँ पर अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन है, नॉर्मल बैटरी सेवर का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड किया गया है। बैटरी आपको 6 आवर के आसपास आपको आपके फोन को आराम से चल जाएगा, बट आपके डिपेंड करेगा आपके यूजेस के ऊपर, आप किस तरह से यूज करोगे उसके ऊपर जो है आपका बैटरी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स की बात करूँ, फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिल जाएगा। गेस्चर, शॉर्टकट, नोटिफिकेशन लाइट, 100 मोड, ये सभी जो ऑप्शन है हमें देने को मिल गया है। स्पेशल फीचर्स की बात करूँ, स्पेशल फीचर्स के अंदर जो जो फीचर्स आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, गेम डार्बो, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडोज, अगेन स्पेस, MI लैब, लाइट मोड, ये सभी जो फीचर्स है हमें यहाँ पर जो स्पेशल फीचर्स है उसके अंदर ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पर देख पाओगे ये सभी नॉर्मल स्टाफ को यहाँ पर ऐड करके दिया गया है। यहाँ पर ओके गूगल की बात करूँ और गूगल असिस्टेंट की बात करूँ, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। कुछ कुछ MIUI का एप्लीकेशन है जो कि इस बिल्ड के अंदर से आप हटा दिया गया है, जो कि बढ़िया नहीं है। एंड कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो कि आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि जो कैलकुलेटर एप्लीकेशन है उसे आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, बाद में आप सीरीज में से इनेबल भी कर पाओगे। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन है जिससे आप डिसेबल कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड कुछ कुछ एप्लीकेशन है जिससे आप अनइंस्टॉल भी कर पाओगे, जैसे कि जो म्यूजिक एप्लीकेशन है MI का उसे आप चाहो तो डायरेक्टली अनइंस्टॉल भी कर पाओगे। तो कुछ कुछ एप्लीकेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन एंड कुछ कुछ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट कुछ यूजलेस फीचर्स था जो कि काम नहीं कर रहा था अपने पोको फोन के अंदर, उसे इस बिल्ड के अंदर से हटा दिया गया है, तो स्टेबिलिटी जो है इंप्रूव हो जाएगा इस बिल्ड के अंदर। फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा, वॉल्टी, वो वाईफाई, स्क्रीन का सभी जो फीचर्स ऑलमोस्ट काम कर रहा है। एंड आपको जो है सुपर वॉलपेपर का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप जो है सुपर वॉलपेपर को भी अप्लाई कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा सुपर वॉलपेपर को यूज़ मत करना, इससे जो है फोन थोड़ा सा स्लो लगता है मेरे को। आप जो नॉर्मल स्टील वॉलपेपर है उसे आप यूज़ करना, वो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी कर्नल को यूज़ कर सकते हो, कस्टम कर्नल का जो सपोर्ट है उसे भी यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो आप कस्टम कर्नल को भी इस बिल्ड के अंदर यूज़ कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इस रोम को फ्लैश करना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फॉक्स रिकवरी और TWR रिकवरी में आपको आपके फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद जो है आप सिस्टम, वेंडर, कैश डेटा को दोस्तों आप सिंपली वाइप करके रोम को फ्लैश कर देना। उसके बाद अगर आपको रूट की ज़रूरत है तो मैजिक्स को फ्लैश कर सकते हो। जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर जो है हमने मैजिक्स को इंस्टॉल करके रखा है, तो मैजिक्स भी यहाँ पर सपोर्ट करते हैं इस रोम के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अपना जो कैमरा एप्लीकेशन है उसके बारे में। तो कैमरा देख सकते हो जो स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन है वही हमें देने को मिलता है, कुछ इस तरह से है। आपको यहाँ पर जो HDR मोड के अंदर ऑन ऑफ का ऑप्शन देने को मिल जाएगा, AI कैमरा है, आपको डायनामिक शॉट्स का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर 4K 60fps का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है, देखिए पा रहे हो काफ़ी बढ़िया है। एज वेल आपको यहाँ पर जो प्रो मोड भी देने को मिल जाएगा, आप यहाँ से जो अपना वाइट बैलेंस, फोकस, शटर, IOS ये सभी को आप कंट्रोल कर पाओगे। पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर काम करता है, मोड के अंदर आपको यहाँ पर नाइट मोड, शॉर्ट वीडियोस, पैरानोमा, स्लो मोशन, ये सभी जो फीचर्स से देने को मिल जाएगा। एंड सबसे बढ़िया बात देख लेते हैं जो अपना Full HD 30fps के अंदर वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है, नहीं देख सकते हो Full HD 30fps के अंदर वीडियो रिकॉर्ड होता है। एंड इमेज स्टेबलाइजेशन जो फीचर है उसे भी हमने यहाँ पर ऑन करके रखा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो जो कैमरा एप्लीकेशन है स्टॉक कैमरा एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास काम करें, नो इश्यू एट ऑल, बढ़िया काम करेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है जो कि हमने रन किया था, बट सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कैमरा टू API को। कैमरा टू API की अगर बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो है हमें फुल का सपोर्ट देने को मिल गया है हार्डवेयर सपोर्ट लेवल के अंदर। तो जितने भी गूगल कैमरा है फुल को सपोर्ट करती है, सभी दोस्तों इस बिल्ड के अंदर काम कर जाएगा, देख ही पा रहे हो
एंड अगर बात करूँ कैमरा गो की, वो भी यहाँ पर काम कर जाता है फर्स्ट क्लास। तो सिंपली कैमरा गो को भी ओपन करते हैं, देखिए बारो कैमरा गो भी यहाँ पर काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। एंड वीडियो रिंग की बात करूँ, ये भी काम कर जा रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस है जो कि हमने रन किया था, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर गीगबेंच 5 की। तो 518 हमें देने को मिला है सिंगल कोड के अंदर, एंड मल्टी कोड के अंदर 2307 का जो है स्कोर देने को मिल गया है। तो कह सकते हो स्टॉक कर्नल के साथ हमें जो स्कोर देने को मिला है काफ़ी बढ़िया है, एंड काफ़ी फर्स्ट क्लास जो है हमें यहाँ पर जो है स्कोर देने को मिल गया है एंड्रॉयड 10 के साथ। तो यही पर यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर हमें यहाँ पर ज़्यादा देने को मिला है, तो जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड मल्टी कोड के अंदर जो एवरेज स्कोर है वहाँ से हमें ज़्यादा देने को मिल गया है, तो एवरेज स्कोर जो है उससे ज़्यादा हमें स्कोर देने को मिला है हमारे डिवाइस के ऊपर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगर बात करूँ यहाँ पर 3D Mark के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर हमने 1976 का जो है स्कोर देने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो आपको परफॉर्मेंस जो है 3D Mark के अंदर काफ़ी बढ़िया देने को मिल गया है। तो हमने यहाँ पर मैजिक को इंस्टॉल किया था, मैजिक हाइट को इनेबल कर दिया है, उसके बाद जो सेफ्टीनेट है यहाँ पर पास हो चुका है, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी बाई डिफॉल्ट तो काम करे ना करे, बट विथ मैजिक हाइट काम कर जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड सिमुलेशन टेस्ट की बात करूँ, लगभग 5 मिनट के आसपास जो है इस टेस्ट को मैंने रन किया था। देखिए पर वो मैक्स गया है 206, एवरेज है 195, मिनिमम है 174। यहाँ पर जो है सीपीयू थ्रॉटल हुआ है 91%, एंड यहाँ पर जो मैक्स सीपीयू क्लॉक है 2.80 GHz तक चला गया है। तो नॉर्मली अपना जो पोको फोन है उसके 200 के आसपास रहता है, बट यहाँ पर 206 हो चुका है। तो आपको जो परफॉर्मेंस देने को मिलेगा बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है, बहुत ही फैंटास्टिक आपको जो है परफॉर्मेंस देने को मिल जाएगा इस रोम के अंदर। तो परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो तो इस रोम को आप जरूर से ट्राई कर सकते हो, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस इस रोम के साथ काफ़ी बढ़िया होगा फॉर श्योर। एंड गेमिंग के लिए इस बिल्ड को आप जरूर से ट्राई करके देखना। एंड्रॉइड 11 वाला बिल्ड अवेलेबल है, उस भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पर बैटरी जो है बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया है, 6 आवर के आसपास जो है बैटरी बैकअप आपको देने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स डिपेंड करेगा आपके यूजेस के ऊपर, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डेटा, वॉल्टी, स्क्रीन कास्ट, ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स यहाँ पर कम कर जा रहा है। एंड ये जो बिल्ड है Xiaomi यू के ऊपर बेसिकली तैयार किया गया है, तो Xiaomi यू के अंदर जितने भी फीचर्स हैं सभी आपको यहाँ पर देने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो गेम डाटा मोड के अंदर वॉइस चेंजर का जो फीचर्स है हमें यहाँ पर इस बिल्ड के अंदर देने को नहीं मिलता है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली ये फीचर्स भी आपको देने को मिलेगा। बाकी अगर बात करूँ प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर आपको बाई डिफॉल्ट देने को मिलता है, प्ले स्टोर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, सभी एप्लीकेशन को हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, तो प्ले स्टोर के अंदर भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी की बात करूँ ब्लूटूथ कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन की, ब्लूटूथ हेडफोन को भी हमने ट्राई किया है, वो भी यहाँ पर काम कर जा रहा है, कॉलिंग भी यहाँ पर बराबर तरीके से हो रहा है, वॉल्टी भी काम कर रहा है, जियो भी काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल, एकदम परफेक्ट स्टेबल रॉम है। डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।